मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। त्योहारों में मेहमानों की और दोस्तों की खातिरदारी करते करते अक्सर हम भी ज़्यादा ही खा पी लेते हैं। ऐसे में अगर आपने भी इस फेस्टिव सीज़न, खासकर दिवाली के मौके पर, ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई या दूसरी चीज़ें खा पी ली हैं, तो अब वक्त है शरीर को रिलैक्स और डिटॉक्स करने का। आज हम आपको बता रहे हैं उन 10 चीज़ों के बारे में जिनके सेवन से आपका शरीर पल भर में डिटॉक्स हो जाएगा, यानी शरीर के अंदर मौजूद सारी गंदगी निकल जाएगी और आप फिर से पहले की तरह हल्का महसूस करने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें खाकर आप अंदर से पूरी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। बात करते हैं पहली टिप्स की। दिवाली में अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो आपको पेट में भारीपन और पेट फूला हुआ महसूस हो रहा होगा, तो आप ऐसे में नींबू खाएं, क्योंकि नींबू में मौजूद अम्लीय तत्व आपको इस समस्या से तुरंत छुटकारा दिला सकते हैं। आप चाहें तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डालकर भी पी सकते हैं। बात करेंगे अब शहद की। गुनगुने पानी में नींबू के अलावा शहद भी डालकर पिएं। शहद कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। पानी में नींबू और शहद डालकर पीने से डाइजेशन बेहतर होता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकलने में मदद मिलती है। बात करेंगे पानी की। पोषक तत्व हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक अच्छी तरह से पहुँचे, इसके लिए पानी पीना बेहद ज़रूरी है। पानी की मदद से हम शरीर से अतिरिक्त चीनी और फैट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक दिन में 10 लीटर पानी पी लें। एक दिन में कम से कम 2 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर पानी पिएं, इससे ज़्यादा ना पिएं। बात करेंगे अब पालक की। त्योहारों के दौरान हम जिस तरह के खाने का सेवन करते हैं उसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर बेहद कम, लिहाजा इस वक्त आपके शरीर को फाइबर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर शरीर के लिए ज़रूरी फाइबर उसे ना मिले तो कब्ज की समस्या हो जाती है। पालक खाने से शरीर को ज़रूरी मात्रा में फाइबर मिलते हैं और पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। बात करेंगे अब ग्रीन टी की। ग्रीन टी पीने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप पहले 10 पूरी खा लें और फिर ग्रीन टी पी लें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्रीन टी आपके लिए तभी मददगार होगी जब आप फेस्टिव मूड से बाहर आकर सामान्य खाना खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, लिहाजा ये लीवर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। बात करेंगे टमाटर की। जी हाँ, टमाटर एक ऐसा सुपर फूड है जिसकी गुणवत्ता को अक्सर कम आंका जाता है, क्योंकि त्योहारों के दौरान अक्सर हम फ्राइड खाना ज़्यादा खा लेते हैं जिससे शरीर में ट्रांस फैट पहुँच जाता है और कैंसर का खतरा बना रहता है। ऐसे में टमाटर खाने से शरीर में कैंसर के इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन होता है। बात करेंगे अब खीरे की। खीरा खाने से शरीर में यूरिन ज़्यादा बनता है, जिसका मतलब है कि यूरिन के जरिए शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, साथ ही शरीर से एक्सेस पानी निकालने में भी खीरा बेहद मददगार होता है। इसके बाद बात करेंगे सेब की। फाइबर से भरपूर सेब का सेवन करने से आपको देर तक भूख नहीं लगती। आप चाहें तो सेब के टुकड़ों को काटकर पानी में डालकर रखें और फिर डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर इसका सेवन करें। बात करेंगे अब चुकंदर की। लीवर की सफाई के लिए चुकंदर बेहद ज़रूरी है, लिहाजा अगर आपने दिवाली की रात ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर लिया है तो चुकंदर को उबालकर खाएं। चुकंदर में बीटालेन होता है जो शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बेअसर करने के साथ ही उन्हें यूरिन के माध्यम से शरीर से निकालने में भी मददगार होता है। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे गाजर के जूस की। सेब की तरह ही गाजर में भी अघुलनशील फाइबर पाया जाता है जो शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद करता है। आप चाहें तो गाजर, चुकंदर और पालक को मिलाकर हेल्दी जूस तैयार कर सकते हैं और फिर डिटॉक्स जूस के तौर पर इसका सेवन करें। इसे पीने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह का वक्त है।
तो आज हमने आपको बताई ऐसी कुछ खास चीज़ें जिसे खाकर आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होगी और आप काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। उम्मीद करते हैं त्योहारों के बाद जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी जानकारी पाकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही अच्छी अच्छी सी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।